लोकसभा चुनाव 2024 के दो चरण संपन्न हो चुके हैं। इसके बाद कांग्रेस और भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दल तीसरे चरण की तैयारियों में जुट गए हैं। इस चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। भाजपा को केंद्र की सत्ता से हटाने के लिए विपक्ष का मोर्चा कांग्रेस ने संभाला है, जिसके बाद इंडिया गठबंधन अब मोर्चे पर आक्रामक हो गया है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार धुआंधार प्रचार करने में लगे हैं। इस लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के पास मौका है कि वो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सबसे अधिक दिनों तक देश के पीएम रहने का रिकॉर्ड तोड़ सके। बीजेपी इसके लिए दिन रात एक कर रही है। पीएम मोदी के मिशन 400 पार के लिए साम दाम दंड भेद सभी लेवल पर काम कर रहा है। हालांकि जिस तरह पहले दो फेज की वोटिंग से रुझान मिले हैं, उससे बीजेपी के लिए चिंता बढ़ गई है। बीजेपी 2024 चुनाव में अब तक 432 उम्मीदवार उतार चुकी है और अभी करीब 10 सीटों पर उम्मीदवारों का फैसला होना बाकी है। इस तरह करीब 442 सीटों पर बीजेपी कुल उम्मीदवार उतार सकती है। अगर बीजेपी को 370 सीट हासिल करनी है तो इसके लिए जरूरी होगा कि कुल उम्मीदवारों में करे 86% कैंडिडेट हर हाल में विजय हो। पर अभी जो सिचुएशन बन रही है उससे तो यही लगता है कि बीजेपी के लिए ये टारगेट बहुत मुश्किल होता जा रहा है। कुछ मुद्दे और बातें बीजेपी के लिए मुश्किल बनती जा रही हैं। चलिए इन पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले नंबर पर आती है आरक्षण खत्म करने वाली बात। विपक्ष इस बात का नैरेटिव सेट करने में सफल हुआ है कि सरकार आरक्षण खत्म करने वाली है। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह का फर्जी वीडियो तो जारी कर दिया गया। मामला इतना संवेदनशील हो गया है कि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ फर्जी वीडियो जारी करने का मामला भी दर्ज हो गया। इस पर आप नेता संजय सिंह, तेजस्वी यादव, डिंपल यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे तमाम नेताओं ने इस दौर में ऐसे बयान दिए हैं। दूसरी ओर इस मुद्दे को बढ़ता देख खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह को बार बार बोलना पड़ रहा है कि देश में कोई भी सरकार आ जाए आरक्षण खत्म नहीं होगा। बीजेपी जिस तरह इस मुद्दे पर अपने सफाई देने में लगी हुई है उससे तो यही लगता है कि इंडिया गठबंधन बीजेपी को घेरने में सफल रही है। अगला मुद्दा है 400 पार का फील गुड। बीजेपी का 400 पार का नारा उल्टा पड़ गया है। एक तो इसका संदेश ये गया है कि बीजेपी को इतनी सीटें आती हैं तो ये सत्ता को निरंकुश बना सकती है। दूसरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कट्टर समर्थकों में इस नारे के चलते फील गुड जैसा भाव आ गया है। इसके चलते बहुत से लोग ये मानकर चलने लगे हैं कि बीजेपी जीत रही है। इस भाव के चलते बहुत से बीजेपी के वोटर्स मतदान केंद्र तक ही नहीं पहुँच पा रहे। उन्हें ये लग रहा है कि बीजेपी जीत रही है तो उनके एक वोट ना देने से क्या होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले मुद्दे की बात करते हैं और ये है संविधान बचाओ नारे का। अचानक पिछले 15 दिनों में देश के संविधान बचाने की बात दोनों पक्षों से होने लगी है। एक तरफ इंडिया गठबंधन ये नैरेटिव सेट कर रहा है कि बीजेपी 400 पार का नारा इसलिए लगा रही है कि देश में बहुत से कानूनों को बदला जा सके। विपक्ष ने बहुत ही संगठित तरीके से इस बात को आम लोगों के बीच फैलाया है। चौथे नंबर पर आती है जीडीएस नेता रेवन्ना का सेक्स स्कैंडल। कर्नाटक में दूसरे चरण की वोटिंग से दो दिन पहले देश के पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के पोते सांसद प्रज्वल रेवन्ना की सैकड़ों सेक्स सीडी वायरल हुई हैं। इन सीडी के वायरल होते ही रेवन्ना के घर की एक कुक ने रेवन्ना और उनके पिता के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इस घटना के सामने आने के बाद कर्नाटक सरकार ने सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े कथित सेक्स स्कैंडल की जांच के लिए एक विशेष जांच दल भी गठित करने का फैसला लिया। बताया जा रहा है कि रेवन्ना जर्मनी भाग गए हैं। पांचवें नंबर पर आता है राजपूतों की नाराजगी। राजपूतों के हार्ड स्कोर वोटर रहे हैं, पर इस बार गुजरात, राजस्थान, यूपी में इस समुदाय में असंतोष देखा जा रहा है। पहले और दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान उत्तर प्रदेश में राजपूत बहुल्य वाले गाजियाबाद और नोएडा सबसे कम वोटिंग परसेंटेज, शायद इसी का सबसे बड़ा सबूत है।
पहले चरण में भी मुजफ्फरनगर के अलावा कई जगहों पर राजपूत की नाराजगी साफ तौर पर देखी गई थी। सबसे आखिरी में आता है AIMIM और BSP। बता दें, BJP के लिए 2014 और 2019 के चुनावों में कभी BSP तो कभी AIMIM के प्रत्याशियों ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाकर BJP को बहुत सी सीटों पर लाभ पहुंचाया। पर इस बार असदुद्दीन ओवैसी और मायावती से इस प्रकार का फेवर मिलता नहीं दिख रहा है। तो ये थे कुछ मुद्दे जिन पर BJP के 400 पार के नारे का पूरा होना कुछ मुश्किल सा होता हुआ दिखाई दे रहा है।